तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जेईई मेंस 2024 का सेशन 1 ऑलरेडी डन हो चुका है एंड उसके जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम वन्ना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल IIT JEE एस्पिरेंट्स। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका JEE मेन सेशन 1 का एग्जाम ऑलरेडी जनवरी में कंडक्ट करवाया जा चुका है एंड उसके जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है। एंड सेकेंड सेशन का जो एग्ज़ाम है वो आपका 4th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15th अप्रैल तक आपका कंडक्ट करवाया जाएगा एंड उसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। तो बच्चों की मोस्ट ऑफ द क्वेरी ये आ रही थी कि उनका जो सेकेंड सेशन का जो एग्ज़ाम सेंटर है सिटी इंटीमेशन वो कब आएगा। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका जो सिटी इंटीमेशन है यानी आपका किस स्टेट में एग्ज़ाम होगा प्रॉपर, ये आपको कब बहुत जल्द जो है पता चलने वाला है। NTA जो है अपनी साइट पर जो है कुछ दिनों में ही ऑफिशियली अनाउंस करने वाला है कि उस बच्चे का किस स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर गया है। एंड आपको पता है कि लास्ट टाइम जब जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उस टाइम पे 9 से 10 दिन पहले ही आपको जो है सिटी इंटीमेशन बता दिया गया था कि आपका जो है प्रॉपर किस स्टेट में होने वाला है। तो मे बी आपको पता है कि 4th अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो 1 वीक पहले जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो सिटी है किस सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर गया है। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से 3 दिन पहले जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ये सारी ही चीज़ें आपको NTA की साइट पर मिल जाएगा। एंड जो भी बच्चे JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलमोस्ट करीब आ चुका है। 4th अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है एंड उसके अलावा आपके जो सिटी है वो एंड एडमिट कार्ड वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। सो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।